شم دهی دکشم دهی شاردا دیو یہ پنڈت رامکرشنا کیوں نہیں آیا بابا پاتر آگے کیجیے अरे पुत्री भिक्षा तो दे दी अब हमारे एक प्रश्न का उत्तर भी दे दो। प्रश्न? कैसा प्रश्न? नहीं वो तो हम घर के स्वामी को ही बता सकते हैं। बाबा घर का स्वामी व्यस्त है। अपमान! नहीं लेंगे। अपनी भिक्षा वापस लो। हम इस घर से भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। नहीं नहीं बाबा आप रखिए हम घर के स्वामी को भेजते हैं। तो बुलाइए। आएगा आएगा अवश्य आएगा। अब आएगा गुरुजी। कहिए जो भी आप लोगों का चेहरा परिचित सा क्यों प्रतीत हो रहा है? परिचित हम बोले बम। अरे बाबा बाबा घूम क्या रहे हैं? घूमना बंद कीजिए और जो प्रश्न पूछना था वो पूछिए। ये क्या है प्रश्न? ये है बच्चा, जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो कौन सा प्रहर था? हैं? पृथ्वी का निर्माण? आप बड़ी महारानी से ये पूछिए कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो प्रथम रात्रि हुई थी या दिवस? बाबा क्या ये दोनों आपके शिष्य हैं? हाँ, नहीं ये हमारे शिष्य नहीं, ये हमारे चेले हैं। ये भी भिक्षा मांगते हैं। ये गुरुवर और धनी मणि भिक्षुक के भेष में मुझसे मेरे द्वारा ही बताया गया प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? हो प्रतीत होता है दोनों रानियों ने गुरुवर से ये प्रश्न पूछा है और उत्तर ज्ञात ना होने पर ये भेष बदल कर मेरे पास उत्तर पाने की अभिलाषा से आए हैं। क्या हुआ बच्चा, इस सोच में डूब गए हो? बोलो बताओ। जी गुब बाबा 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 वो बात यह है कि वैसे तो प्रश्न अत्यंत ही जटिल है किंतु आपके सौभाग्यवश इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है मुझे। ज्ञात है तो शीघ्र हमें बताओ बच्चा। जी क्या है कि उत्तर अत्यंत ही सरल है। हुआ यूं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जो सो रहा था अर्थात जो निद्रा मग्न था उसके लिए रात्रि थी। अच्छा। और जो जाग रहा था उसके लिए दिन था। हाँ वो तो है। तो हम जाएं? हाँ? ए, हाँ, चलो 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 हम बोले हम। इस प्रश्न का उत्तर गलत है गुरुवर, क्योंकि वास्तव में इस प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं। महाराज ने स्वयं को कक्ष में बंद करके रखा हुआ है। मिलने जाओ तो कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब जाके भीतर आने की अनुमति मिलेगी। प्रणाम महारानी चिन्ना देवी जी। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महारानी तिरुमलम्बा जी। प्रणाम गुरुवर। क्या आपको उस प्रश्न का उत्तर ज्ञात हुआ? महारानी चिन्ना देवी जी, इसका उत्तर तो हमें पूर्व में ही ज्ञात था। वो क्या है कि हम इस उत्तर की पुष्टि कर रहे थे तो पुष्टि करते करते थोड़ा विलंब हो गया। तो गुरुवर शीघ्र बताइए ना कि उत्तर क्या है। महारानी तिरुमलम्बा जी, इस प्रश्न का उत्तर तो बड़ा ही सरल है। अब देखिए, निद्रा में मग्न जो व्यक्ति होता है उसके लिए दिन भी रात्रि के समान होता है और जागे हुए व्यक्ति के लिए रात्रि भी दिन के समान होती है। ठीक उसी प्रकार जब धरती का निर्माण हुआ तो उस प्रहर में जो व्यक्ति जागा हुआ था उसके लिए दिन था और जो निद्रा में मगन था उसके लिए रात्रि थी। वाह गुरुवर वाह, ये उत्तर गलत है। किंतु पंडित रामकृष्ण ने तो यही उत्तर दिया था। हाँ। महारानी ये जो धनी है इसका कहने का तात्पर्य ये है, यदि ये प्रश्न आप रामा से पूछेंगी तो पंडित रामकृष्ण भी इसका यही उत्तर देंगे। परंतु महारानी चिन्ना देवी जी, ये उत्तर गलत क्यों है? गुरुवर ये प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं है, ये प्रश्न पृथ्वी के संबंध में है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस समय पहर कौन सा था, दिवस था
या रात्रि? ओ अच्छा 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 अच्छा, तो ये प्रश्न था। गुरुवर, अगर अब आप इस प्रश्न को समझ गए हैं तो शीघ्र इसका उत्तर दीजिए ना, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। हाँ, इसका उत्तर हमें ज्ञात है महारानी तिरुमलम्बा जी, परंतु अभी हम इसका उत्तर आपको नहीं दे सकते। परंतु क्यों गुरुवर? क्योंकि अभी हमें पुनः इसके उत्तर की पुष्टि करनी होगी, क्योंकि हम पुनः आपको गलत उत्तर नहीं दे सकते, तो इसके लिए पुनः हमें निवास पर जाकर गहरे ध्यान में बैठना होगा। पुनः? जी पुनः। तो हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए गुरुवर। जी महारानी तिरुमलम्बा जी, क्या हम आपकी कोई और सेवा कर सकते हैं? गुरुवर, सेवा आप नहीं, अब हम करेंगे। हमने महाराज के लिए करेले का स्वादिष्ट पुलाव बनाया है, परंतु महाराज उत्तर मिलने से पूर्व इसका सेवन करेंगे नहीं, तो आप ही कर लीजिए। नहीं, आपको इस करेले के पुलाव का सेवन करना ही पड़ेगा। अब आएगा आनंद धनी। आनंद नहीं, अति आनंद। गुरुवर लीजिए, खाइए स्वादिष्ट करेले का पुलाव। अब महारानी तिरुमलम्बा जी, वो क्या है कि हम अपनी सभी वस्तुएं जो हैं अपने शिष्यों के साथ बांटते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे भी हम बांट लें। गुरुवर, इसमें आज्ञा की क्या आवश्यकता है? धनी बनी मेरे बच्चों, लो मेरे बच्चों, खाओ, जी खोल कर खाओ, खूब खाओ, सब खाओ, सब खा जाओ, सब खा जाओ, खाओ खाओ। गुरुवर, आप भी खाइए। जी अवश्य, क्यों नहीं, अवश्य महारानी तिरुमलम्बा जी। हमारे द्वारा स्वादिष्ट एवं विशेष व्यंजनों को खाने के पश्चात व्यक्ति प्रायः ऐसे ही प्रतिक्रिया देते हैं। गुंडप्पा, तुंडप्पा, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें गुरुवर ने बुलाया है, आओ हमारे साथ। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। भोजन लाए हो? जी लाओ, हमें दो। और वो भोजन जो तुमने छुपाया है, जाओ अपने कार्य पर लग जाओ। आज मुझे क्या करना होगा गुलवर? तुम्हें ये जंगल झाड़ी साफ कर इस स्थान पर क्यारी बनानी है। जो आ गया गुलवर। गुंडप्पा, कार्य करते समय थोड़ा सावधान रहना, यहाँ बहुत सांप है। मुझे विश्वास है गुंडप्पा, तुम ये कार्य कदापि नहीं कर पाओगे और तुम्हें ये गुरुकुल छोड़कर जाना ही होगा। गुंडप्पा, तुमने परीक्षा में मगरमच्छों का सामना किया था और आज एक छोटे से सांप से भयभीत हो गए। गुंडप्पा, कार्य समाप्त करने के पश्चात ही तुम्हें कक्षा में आने की अनुमति है।
माफ करना तुंडप्पा। चिंता मत करो, अगर तुम्हें इन सांपों से पार मिल गया तो मैं स्वयं इस स्थान को साफ करूंगा और क्यारी भी बनाऊंगा। मैं वचन देता हूं। पंडित रामाकृष्णा, पंडित रामाकृष्णा, सुनिए भोजन तो कर लीजिए। बापू, भोजन आरंभ किया नहीं कि संकट के गहरे बादल मंडराने लगे। आदाब पंडित रामाकृष्ण, तो क्या आप सेठ बालाचंद्र को कोयले की बोरी बेचने के लिए तैयार हैं? हे मां, अब तक सेठ बालाचंद्र को कोयला बेचने का कोई उपाय नहीं सूझा है। कैसे बेचूंगा कोयला? ऊपर से आदिनाथ को भी मृत्यु दंड से बचाना है। क्या करूं, कैसे करूं? मां तू ही रक्षा करना। किस सोच में डूबे हैं पंडित रामाकृष्ण? आप तो इतने ऊंचे अष्ट दिग्गज के पद पर आसीन हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा आपने। पंडित रामाकृष्ण, आजमाइश करनी है या फिर आपने पहले ही हार मान ली? नहीं नहीं, चलिए चलिए। लिखे स्थान को लिख कर दो, मेरी शिक्षा का सवाल है। किंतु एक बात स्मरण रखना, जीवन में हर कदम पर सोच विचार करके ही निर्णय लेना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इस तरह तू कभी भी पराजित नहीं होगा। तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, असंभव ही प्रतीत होता है। और हाँ, परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहेंगी गुंडप्पे, तुझे प्रतिकूल परिस्थिति का भी निडरता से सामना करना होगा। अब हमें गुंडप्पा से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। मैं नहीं भागूंगा, चाहे कितनी भी विपरीत समस्या, मैं अवश्य उसका दर्द का सामना करूंगा। शिक्षा पाने मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। क्षमा करे स्वामी, दूध कहाँ लेके जा रहा है? फेंकने स्वामी, दूध में मक्खी गिर गई तो तू क्या दूध फेंक देगा? तुझे ज्ञात नहीं दूध कितना महंगा हो गया? कुछ ही दिनों में सुवर्णकारों की दुकानों पर सुवर्ण के मोल बिकेगा दूध। इस हानि के बदले मैं तुम्हारे चार कांसे की मुद्रा काटूंगा। परंतु स्वामी, मेरा तो एक माह का वेतन ही 2 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उसी कारण मैं तुम्हारे 2 माह का वेतन काटूंगा। ये सेठ बालाचंद्र तो मेरे अनुमान से भी अधिक कंजूस और मक्खी चूस है। इसे कैसे भेज पाऊंगा 10 सहस्र स्वर्ण मुद्राओं में साधारण कोयले की बोरी? उधर आदिनाथ को भी कल मृत्युदंड दे दिया जाएगा, उसकी रक्षा करने का भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा। प्रतीत होता है इस बार मुझे अष्ट दिग्गज के पद का त्याग करना ही पड़ेगा। पंडित रामाकृष्ण, इसी सेठ को आपको कोयला बेचना है। मेरी सलाह मानो और हार मान लो, और महाराज को जाके कहो कि वो खुद इस चुनौती को मुकम्मल करें। वैसे भी ये चुनौती आपके लिए नहीं थी, आप क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? नहीं,
मैं एक बार तो अवश्य प्रयास करूंगा। जैसे आपकी मर्जी। प्रणाम सेठ बाला चंद्रू जी। क्या? मैंने कहा प्रणाम सेठ जी। क्या कर रहे हो? ये हुई ना बात। ओ, तो आप है पंडित जी। हाँ। बताइए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। पंडित, तूने भरे बाजार में मेरा परिहास किया था, इसका मूल्य मैं सूद समेत वसूलूंगा। सेवा तो मैं आपकी करने आया हूँ सेठ जी। वो क्या है कि बड़ा ही अच्छा सा सौदा लाया हूँ विशेष आपके लिए, बस आपका थोड़ा सा समय चाहिए। पंडित जी, मेरा समय अत्यंत कीमती है। ज्ञात है सेठ जी, इसलिए मैं आपका अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा सौदे का विवरण देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये है कोयला। शीत ऋतु में ये शरीर को उष्मा प्रदान करता है, साथ ही साथ रसोई घर में भोजन पकाने के अत्यंत आवश्यक ईंधन के कार्य भी आता है। चमचमाते दांतों के लिए वैद्य सदैव कोयले से दांतों को घिसने की सलाह देते हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे इससे अपने घरों की दीवारों पर चित्र भी बना लेते हैं। सेठ जी, एक नहीं दो नहीं, मैं आपके लिए लाया हूँ पूरी की पूरी बोरी भर के। आप प्रयोग करें, अपने परिवार को भी प्रयोग करने दें जी भर के, और इसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें अपने निकट संबंधी सगे और मित्र को। ये शुद्ध काला कोयला जिसकी कालिख सदैव आपके साथ रहे, जैसे कि सच्चा मित्र हो। वाह 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 पंडित जी वाह, विवरण तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि कोयला नहीं पारस का पत्थर लिए घूम रहे हो। मुझे कोयले की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हां मैं आपका मान रखते हुए मैं इस कोयले की बोरी को स्वीकार करता हूं। कृपया वहां रख दीजिए। जी ये लीजिए। तो बताइए मुझे इस कोयले को स्वीकार करने के लिए दाम कितना मिलेगा? दाम मिलेगा? और नहीं तो क्या पंडित जी, कोयले की बोरी मेरी दुकान में स्थान भी तो ग्रहण करेगी, उसका दाम। किंतु सेठ जी, मैं तो आपसे दाम प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा था। दाम प्राप्त करने की अपेक्षा, वो भी मुझसे? पंडित जी, मेरी वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा पर बट्टा मत लगाइए। चित है, आपका समय नष्ट किया, क्षमा चाहता हूं। रुकिए पंडित जी, क्षमा मांग कर आप बच नहीं पाएंगे। वैसे तो 20 कांस की मुद्रा बनती है, आप तो अपने 19 ही दे दीजिए। 20 कांसे की मुद्रा है? किंतु किस कारण से? समय कीमती है, कृपया उसका मूल्य करें। आपके अनुग्रह पर आपको अपना कीमती समय दिया, उसका मूल्य हुआ 19 मुद्राएं। भुगतान कीजिए और चलते बनिए। जितना अधिक समय आप लेंगे मुद्राओं की संख्या भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। केवल धन्यवाद ही ऐसी वस्तु है जो मैं मुफ्त में देता हूं। आपको महाराज ने अष्ट दिग्गज पद से नवाजा है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि हार मान लो पंडित रामकृष्णा, कम से कम आपकी 19 कांसे की मुद्राएं तो बच जाती। रामा, ये सेठ तो बड़ा घाघ निकला, इसने तुझे ही लूट लिया। अब क्या करेगा रामा, इस चुनौती में तो पराजित हो गया।